नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। असद का शव लेने के लिए उसके नाना और मामा जाने वाले हैं, तीन वकीलों के साथ जाएंगे झांसी। असद आज एनकाउंटर में ढेर हुआ था। झांसी मेडिकल कॉलेज में असद का पोस्टमार्टम हुआ है, जिसे लेने के लिए उसके नाना और मामा झांसी जाएंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राघवेंद्र सिंह पर गुड्डू ने बम फेंका था, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। यूपीएसटीएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी ढेर हो गया है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। यूपीएसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था गुड्डू मुस्लिम, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि जनता टीवी इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर अहम तस्वीरों के साथ। गुड्डू मुस्लिम ढेर हो चुका है, जनता टीवी तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन लगातार ये तस्वीर वायरल हो रही है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जिसको अब से कुछ देर पहले एसटीएफ ने घेरा था, वो ढेर हो चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम शामिल था। तो यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, असद गुलाम और गुड्डू मुस्लिम। हालांकि जनता टीवी इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम जालौन में ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर है, अहम जानकारी है, हम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। झांसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। असद के शव को लेने के लिए उसके नाना और मामा जाएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। असद का शव लेने के लिए उसके नाना और मामा जाने वाले हैं, तीन वकीलों के साथ झांसी जाएंगे। असद आज एनकाउंटर में ढेर हुआ था, उसके साथ गुलाम को भी नस्तनाबूद किया गया था। तीन वकीलों के साथ झांसी जाएंगे। निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐसे में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति और किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेगी, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता आरके त्रिपाठी ने आज भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल से खास बातचीत की है। सुनिए। प्रदेश भर में निकाय चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण बिठाते हुए चुनाव की जंग में कूद चुकी हैं। आइए आज हम लोग एक विशेष चुनावी चर्चा करते हैं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी से। प्रकाश जी, ये बताइए कि किन विशेष मुद्दों के साथ इस निकाय चुनाव में आप जाएंगे? जनता टीवी के सभी दर्शकों को, भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। चुनाव आयोग ने अभी पिछले दिनों नगरी चुनाव की घोषणा किया है। भारतीय जनता पार्टी दिसंबर में ही चुनाव की तैयारियां पूर्ण कर चुकी थी। हमारे तमाम विपक्षी दल जो चुनाव से घबरा रहे थे, चुनाव में जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, वो कोर्ट में किन्हीं न किन्हीं कारणों का सहारा लेकर चुनाव रोकने की तैयारी कर रहे थे, और एक बार वो लगभग सफल होते दिखे भी। सरकार को बदनाम करने के लिए, पिछड़ा वर्ग आरक्षण को रुकवाने के लिए उन्होंने, उनके पार्टी के लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी जी ने डेडिकेटेड कमेटी बनाई और उसके रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार हुआ और सभी वर्गों के लिए, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, सभी को आरक्षण का जो मिलता रहा है उसी क्रम में सबको मिला है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के सहारे चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था का मुद्दा रहता है, व्यापारी वर्ग रहता है, महिलाएं रहती हैं, उनके पिछली सरकारों का अगर वो याद करेंगे, कोई वसूली करता था, माफिया सीना तान कर घूमते थे, दिन दहाड़े उनकी हत्याएं करते थे, बहन बेटियों को घर से स्कूल जाने में, बाजार जाने में डर लगता था, बच्चों के अपहरण का डर रहता था, और विकास का भी मोदी जी और योगी जी ने जनता की उन तमाम ज़रूरतों को, जिसके लिए देश के करोड़ों लोग पिछले 70 सालों से कोई आवास के लिए, कोई शौचालय के लिए, कोई गैस सिलेंडर के लिए, कोई इलाज के पैसे के लिए तरस रहे थे, उन सभी को मोदी जी ने और योगी जी ने 100% लगभग पूरा करने की कोशिश किया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी से, जो कि प्रतिबद्ध हैं इस बार निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराने के लिए। कैमरा पर्सन हनुमान सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, जनता टीवी, कानपुर। सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची, विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्मृति ईरानी का छात्रों और शिक्षकों ने जोरदार स्वागत इस दौरान किया है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हो गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए चंपत राय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा ठीक उसी तरह से महत्वपूर्ण है जैसे देश की संसद और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा है, जिसके प्रति शासन और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। साथ ही इस बात पर चिंतन मंथन किया गया कि राम मंदिर को कैसे सुरक्षित रखा जाए और सुरक्षा को लेकर तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। रामपुर की स्वार विधानसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर रामपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर से 50 मीटर की दूरी तक पुलिस ने बैरिगेटिंग करी है। तो वहीं आपको बता दें कि नामांकन को लेकर अभी किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा फिलहाल नहीं की है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद स्वार टांडा विधानसभा सीट खाली हुई है। रामपुर की विधानसभा 34 स्वार जहाँ उपचुनाव होना है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम खां की सीट खाली हुई है, उस पर 10 तारीख को चुनाव होना है। मैं बता दूं आपको, यहां पर आज उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं यहां की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। देखिए, यहां पर सभी जगह पुलिस व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद लगा रखी है। नामांकन प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर आने वालों को मना कर दिया गया है, अंदर कोई भी नहीं जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया, क्योंकि निकाय चुनाव की भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया चल रही है, और इस समय यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो मौजूद है। रामपुर से सुरेश कुमार, जनता टीवी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बेरहम मालिक ने अपने नौकरों पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए तालिबाना सजा दे डाली है। आपको आरोप है कि मालिक ने नौकरों को पहले बांधा, फिर जंजीर से लटकाया और उसके बाद कोड़े बरसाए हैं। मालिक का इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने बिजली का करंट तक लगा दिया। मालिक ने अपने साथ गुंडों के साथ मिलकर नौकरों को इतना पीटा कि उनमें से एक की मौत हो गई। फिलहाल मृतक नौकर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आधा दर्जन से भी ज्यादा गुंडे मृतक नौकर को रस्सी से बांधे हुए थे, डंडे बरसा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मालिक समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और 3 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। ये मेरा भतीजा जो था, 32 साल उम्र थी उसकी लगभग, और ये सूरी ट्रांसपोर्ट में पिछले 7-8 साल से एज ए मैनेजर काम कर रहा था वहाँ पे, और पिछले 7-8 साल में कभी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन अभी कल जब उसको वहाँ सूरी ट्रांसपोर्ट पर गया, तो सूरी ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं बंकिम सूरी और कुणाल सूरी, दोनों लोग उसको लेके वहाँ गए हैं कन्हैया हौजरी। तो ये कन्हैया हौजरी वालों का ये कहना था कि शायद उनकी कुछ जो गांठें यहाँ ट्रांसपोर्ट पे आती थी उसमें कुछ कम थी या ज़्यादा थी, कुछ डिस्प्यूट था। ये शाम को लगभग पुलिस को ये जानकारी ये प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति वहाँ अस्पताल में मृतक अवस्था में लाया गया है, जिसको ये बताया गया प्रथम दृष्टया कि उसको करंट लगे, तो इस पर तत्काल
इंस्पेक्टर को भेजा गया, तो उसके पंचायतनामा और लैंड जिहाद को लेकर सीएम धामी के फैसले पर विपक्ष के विधायकों ने सीएम धामी की तारीफ की, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं तो अच्छी बात है। उनका कहना है कि लैंड जिहाद से संबंधित जितने भी मामले उत्तराखंड में हैं, उन सब पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो नशा मुक्ति केंद्र है, निश्चित रूप से उनके शिकायतें मिल रही हैं, और वहां जो है जो बच्चे जा रहे हैं जिनको नशा छुड़ा। केंद्र सरकार के मंत्रियों का उत्तराखंड के वाइब्रेंट गांवों का दौरा करने का सिलसिला जारी है। अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 16 अप्रैल को सीमांत जिले पिथौरागढ़ के गुंजी गांव में रात्रि प्रवास करने वाले हैं। प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री विकास योजनाओं का सर्वेक्षण करेंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, आग्रह है। परिणाम ये कि एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री विकास योजनाओं के प्रति सजग देखने को मिल रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री की इस योजना को लेकर सीएम धामी ने भी सराहना की है। देखिए, निश्चित रूप से भारत सरकार के सभी हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री हमारे वाइब्रेंट विलेजों का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने जहां नीति माड़ा मलारी की ओर उन्होंने प्रवास किया था, उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में किशन रेड्डी जी ने, पर्यटन मंत्री जी ने प्रवास किया था, और पीयूष गोयल जी गुंजी आएंगे, और वह भी जो है वो वाइब्रेंट विलेज को जिन गांवों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में चयन किया गया है, उन गांवों का प्रवास माननीय केंद्रीय मंत्रियों का इस ओर। कांग्रेस पार्टी ने भी अब नगर निकाय और लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के साथ ही नए लोगों को जोड़ने के संकल्प के साथ वो काम कर रहे हैं, और आगामी सभी चुनाव पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने, सुनिए। चुनौतियां शुरू होने जा रही, क्या कुछ रणनीति अब आगे के लिए है? देखिए, रणनीतियां राजनीति में दो किस्म से होती हैं। एक कि हम अपने कार्यकर्ता का विश्वास कैसे जगा के रखें, दूसरी रणनीति होती है कि हम जनता तक अपने संदेश को पहुंचा सकें, और उसके लिए हमने कुछ नई तकनीकें की, क्योंकि अभी तक हम जहां देते हैं अपने कार्यकर्ता आते हैं, भाषण देते हैं, अपनी बात कहते हैं, वो हर कार्यकर्ता को पता है कि बड़ा नेता क्या कहेगा। हमारे को बेरोजगारी जैसे गंभीर विषय को, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था जैसे विषय को, महंगाई जैसे विषय को, अस्पतालों में डॉक्टर ना होना, स्कूलों में टीचर का ना होना, रुपये का कमज़ोर होना, अंकिता भंडारी मर्डर केस की मिसहैंडलिंग, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस देश में, किस तरीके से लोगों को हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसाया जा रहा है, इन सब बातों की चर्चा जब आम पब्लिक करेगी तो ही असली जीत है। और इसलिए हमने मेरी आज की चिट्ठी के नाम से एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, आज 3-4 दिन हो गए। आज अंकिता भंडारी मर्डर केस VIP कौन के नाम से आज चिट्ठियाँ गई हैं, और उसके अलावा चाय पे चर्चा हमने की। हमने नेताओं से कहा कि बड़ी मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप मोहल्लों में जाइए, किसी परिचित से कहिए कि साहब चाय का इंतज़ाम कर दीजिए, 25-30 जितने लोग आसपास की हमारी गृहिणियाँ हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको उस मीटिंग में बुलाएं और वहाँ चर्चा करें कि आखिर आपके पढ़े लिखे बच्चे घर में बेरोजगार क्यों हैं, क्या कारण है, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है स्मार्ट सिटीज़, कहाँ है बुलेट ट्रेन, महंगाई कम करेंगे करने वाले लोगों ने 1200 रुपये के आसपास गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, होली जैसे त्यौहार में 50 रुपये बढ़ा दे रहे हैं। मतलब बीजेपी एक्सपेरिमेंट भी करती है कि हम ठीक टाइम पे इनको चढ़ाएंगे, पब्लिक चिढ़ती है हमारे संग, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान कर देते हैं और लोग कीमतें बढ़ना भूल जाते हैं, घर में अपना पढ़ा लिखा बेटा, पढ़ी लिखी बेटी को बेरोजगार, उनको फील ही नहीं होता घर में बेरोजगार हैं, हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है फील नहीं होता। तो हम कोशिश कर रहे हैं और मैं खुश हूँ इस बात को, अभी इस काम को शुरू किया हमको बमुश्किल 6 दिन हुए हैं चाय पे चर्चा को, अब गांवों घरों के लोग, मोहल्लों के लोग अभी इन विषयों पर चर्चा करने लगे हैं, जो मेरा उद्देश्य था। मैं लगता है मैं थोड़ा बहुत उसमें सफल हुआ हूँ, इस चीज़ को अभी हम और बढ़ाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, चाहे घर में बेरोजगार बच्चे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं गरीब के लिए नहीं होना है, चाहे वो कमज़ोरों को दवा कुचला जा रहा है, चाहे कानून के विधों को जो है परेशान किया जा रहा है, और पेपर लीक करने वाले मैटर हों, चाहे वो SSSC का घोटाला हो, चाहे अंकिता मर्डर केस हो, सब में BJP के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, हम इन्हीं चर्चाओं को जनता के बीच तक ले जाना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अब घर घर जा रहा है, गांव गांव जा रहा है और चाय पे चर्चा कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ ही नए लोगों को पार्टी से जोड़ना आगे उनकी रणनीति में शामिल है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता TV।
रुड़की के आईआईटी में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पहुंची। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भाजपा शोभा राम प्रजापति भी उनके साथ में मौजूद रहे। इस दौरान दीप प्रज्वलन करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम आयोजकों ने मंत्री रेखा आर्या को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की प्रोफेसर स्मिता जी के आमंत्रण पर मैं यहाँ पर पहुंची। निश्चित रूप से हमारे ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो कि आईटी रुड़की में अध्ययनरत हैं और आगे चल के सेवा करेंगे, तो उनके मध्य में एक व्याख्यान जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर रखा गया था। चारधाम यात्रा को लेकर सभी संबंधित विभाग अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं घोड़े खच्चरों को लेकर पिछले साल यात्रा के दौरान जो कठिनाइयां आई उन्हें दूर करने और बेहतर व्यवस्था करने के संबंध में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी है। बताया है कि पिछली बार जिस तरीके से केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चरों की व्यवस्थाओं के अभाव में मृत्यु के प्रकरण को संज्ञान में रखते हुए इस बार बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। पशुपालन मंत्री का साफ तौर पर कहना कि वो स्वयं बैठके करके यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। पिछली बार जब मैंने कार्यभार संभाला था तो चारधाम यात्रा के बीच में ये खबरें आई थी कि वहाँ पर घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो रही है, और मैं स्वयं गौरीकुंड तक गया था, वहाँ पर सारे स्टेक होल्डर से मिला था, चाहे वो हमारे घोड़ा खच्चर के डंडी गंडी के जो यूनियन है उनसे मिला था, हमारे श्रद्धालुओं से मिला था, हमारे अधिकारी लोगों से मिला था। चार धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट टोकन वितरण और कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने कहा है कि चारों धाम लगने वाली मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत धामों की मंदिर समितियों से मंदिरों का दर्शन हेतु खोले जा देहरादून में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन विभाग के लिए किए गए कुछ बड़े फैसलों के बारे में जानकारी साझा करी है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में सफर करने पर दुर्घटना होने पर दुर्घटना बीमा दिए जाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत 5 लाख का दुर्घटना बीमा मृतक के परिजनों को उत्तराखंड परिवहन निगम सीधे तौर पर देगा, तो वहीं 2 लाख प्रदेश सरकार की तरफ से भी दिए जाएंगे। मैं प्रेस के माध्यम से दो महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदेश की जनता को दे रहा हूँ। पहला, जब कोई रोडवेज दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम 5 लाख के स्थान पर हम उसको 7 लाख की नगद धनराशि हम उसको उपलब्ध कराएंगे। 5 लाख रुपया रोडवेज अपनी ओर से देगा। तो चलिए 5 मिनट में फटाफट अंदाज में 25 खबरों का रुख करेंगे। लोजपा पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पौषी बलिया कार्यकर्ताओं के साथ करी समीक्षा बैठक, कहा यूपी में लोजपा लड़ेगी दमदारी से चुनाव। सुल्तानपुर जिले में चलाया गया चेकिंग अभियान, डग्गावार वाहन विदाउट परमिट बीमा फिटनेस ओवरलोडेड ट्रक के खिलाफ की जा रही कार्रवाई, ओवरलोडिंग में आधा दर्जन ट्रकों का किया गया चालान। बलिया के बेड़हर कला गांव में आग का तांडव, सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। देहरादून में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हुई हत्या, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए कार्रवाई करी शुरू। सहारनपुर में 12 बीघे खेत में लगी भीषण आग, गेहूं की फसल जलकर हुई खाक, विद्युत लाइन टूट कर गिरने से खेत में लगी थी आग। सहारनपुर में पत्नी ने पति की गला घोट कर दी हत्या, शराबी पति की प्रताड़ना से पीड़ित थी पत्नी। बाराबंकी में बिरयानी में लेग पीस नहीं मिलने पर बवाल, दुकान मालिक और सिपाहियों में जमकर हुई मारपीट, जमकर मारपीट का वीडियो भी तेजी से हो रहा है वायरल। माधा में अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में धड़ल्ले से जारी है कमीशन खोरी का केस, सरकारी आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां, बार बार मना करने के बाद भी डॉक्टर लिखते हैं बाहर की दवाई। प्रतापगढ़ में पति अपनी पत्नी का इलाज कराने पहुंचा जिला मेडिकल कॉलेज, इलाज नहीं होने पर परिजन परेशान,
पीड़ित परिजनों ने मेडिकल स्टाफ को बनाया वीडियो, मचा हड़कंप। सूचना मिलने पर वॉकर पहुंची पुलिस। फरुखाबाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से गोद कर किया लहूलुहान। पड़ोसियों ने इलाज के लिए घाटन अस्पताल में कराया भर्ती। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। कानपुर में कांग्रेस ने महापौर पद का प्रत्याशी किया घोषित। मैदान में उतारा ब्राह्मण उम्मीदवार आशी विकास अवस्थी को बनाया गया प्रत्याशी। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से लगी खेतों में भीषण आग। गन्ने और गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। आग की सूचना मिलते ही किसानों में मचा हड़कंप। ग्रामीण पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। श्रावस्ती में डीएम और सीडीओ ने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। कई छात्रों से पूछे गए सवाल, सही जवाब देने वाले छात्रों को वितरित किया गया ट्रॉफी और बिस्कुट। निकाय चुनावों के चलते एक्शन में श्रावस्ती पुलिस। 250 ग्राम चरस के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त पर एनडीपीसी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है मामला। बस्ती पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हुए बड़े सवाल। एक नाबालिग पांचवीं क्लास के बच्चे को गैंगस्टर का मुजरिम बनाते हुए कर दिया जीवन बर्बाद। एडिशनल एसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा अगर सोनू नाबालिग है तो रोक दी जाएगी कार्रवाई। कानपुर देहात में 3 साल का मासूम खेलते खेलते कुएं में जा गिरा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल के जवान। रेस्क्यू करते हुए 4 घंटे बाद बाहर निकाला मासूम का शव। सहारनपुर में पुलिस ने वन्य जीव तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने दो मुहे सांप को किया बरामद। सांप को 7 लाख रुपए में बेचने का तस्करों ने किया था सौदा। अलीगढ़ के मजरा मंडल में गेहूं की पक्की खड़ी फसल में लगी भीषण आग। खेत के ऊपर से हाई टेंशन लाइन ने की चिंगारी के कारण लगी आग। हादसे में किसान की 12 बीघा और दूसरे किसान की 6 बीघा गेहूं की फसल हो गई तबाह। लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौत। बाइक सवार दोनों युवक सीतापुर में विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में सुई ट्रांसपोर्ट के मैनेजर की पीट पीट कर हत्या। हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। पुलिस के मालिक नीरज गुप्ता अपने गुर्गों के साथ मिलकर शिवम और अंशुल की पिटाई से हो गई उसकी मौत। महुआ में दबंगों ने किया महिला के साथ दुष्कर्म। दबंगों ने शिकायत देने पर जान से मारने की दी थी धमकी। पीड़िता का पुलिस ने कराया मेडिकल परीक्षण। मामले की आगामी कार्रवाई शुरू। महुआ में करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। खेत में लगी डीपी में तार जोड़ते समय करंट लगने से हुई है मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहरादून में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। मामले में एसपी सिटी ने लिया संज्ञान। पुलिस ने जांच करी शुरू। महुआ में संदिग्ध अवस्था में बुजुर्ग महिला का फांसी संबंधी से लटका मिला शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में केस दर्ज करते हुए आगामी कार्रवाई की। ललितपुर में ससुराल में दामाद की हत्या का मामला। पुलिस ने 4 सालों और ससुराल सहित 5 लोगों का किया हत्या का मामला दर्ज। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक है। उस पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।